हाय गाइस, आज की जो रेसिपी है वो है आलू और सोयाबीन की सब्जी, जिसे हम न्यूट्रीला भी कहते हैं। ये सब्जी बहुत ही क्विक 15 से 20 मिनट में बन जाती है और बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है। स्पेशली वर्किंग वुमेन और वर्किंग मॉम्स हैं, उनके लिए बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बन जाती है। और सोयाबीन वैसे भी हाई प्रोटीन होता है, तो ये दोनों बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो देखते हैं हमने कैसे ये रेसिपी तैयार की है। बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी, इसको हम न्यूट्रेला भी कहते हैं। उसके लिए हम लेंगे पानी डाल के हम इसको भिगो देंगे और डालूंगी हाफ लेमन। इसमें इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए और इसका सोयाबीन का जो अंदर का फ्लेवर है वो और इनहेंस हो जाए। तक सोयाबीन रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसका तड़का। ये मैंने लिया है प्रेशर कुकर में ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी साबुत लाल मिर्च और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी लिटिल बिट ऑफ जीरा। सबसे अच्छी सी खुशबू आने लग पड़ी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का मिक्सचर। गार्लिक जिंजर का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है वो मैंने इस तरीके के चॉपर से तैयार किया है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और हाथ से भी काट सकते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, अब धीरे धीरे मैं इसको न्यूट्री को डालना शुरू करूंगी। गैस की जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल लो रखना जब आप न्यूट्री डालोगे। न्यूट्रीला को हम लोग लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे और इसको शैलो फ्राई करने का ये एक पर्पस होता है कि इससे ये इसमें जो एक क्रंचीनेस आनी आ जाती है कि जब आप इसको खाओगे तो वो क्रंचीनेस आपको फील होगी। बाई साइड हम लोग अपनी ग्रेवी भी चेक करेंगे, ये अभी बन रही है। अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद हमारी जो न्यूट्रीला है वो पूरी तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे सेपरेट प्लेट में। न्यूट्रीला को प्लेट में निकालने के बाद हम थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट कर देंगे सो दैट एयर इसकी सारी निकल जाए। यहाँ पे लिए हैं 3 से 4 पोटैटोज, अब इसको भी हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। जो पोटैटोज मैंने लिए हैं ये बॉइल्ड पोटैटो नहीं है, अगर आपके पास बॉइल्ड पोटैटोज पड़े हैं घर पे तो आप बॉइल्ड पोटैटोज भी यूज कर सकते हैं। ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया तो इसमें मैं ऐड करूंगी कर्ड। मैंने कर्ड अच्छे से मिक्स कर दी है, अब देखो आप इसमें उबाल भी आ रहा है। अब हम इसको ग्रेवी को लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे जब तक अच्छे से इसका ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। अरे आलू भी पक के रेडी हैं, अब हम इसको भी सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ग्रेवी ने सारा ऑयल रिलीज कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, शुगर जस्ट टू एनहेंस द फ्लेवर, लिटल बिट ऑफ सॉल्ट। पेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी ये फ्राइड आलू एंड न्यूट्रीला। कुछ मिक्स करने के बाद हम इसे 1 या 2 मिनट तक इसी में ही अच्छे से भून लेंगे, मतलब मिक्स होने देंगे ग्रेवी में। अब इसमें मैं इस टाइम पर ऐड करूंगी गरम पानी टू मेक ग्रेवी। अब जब मैंने इसे राइस के साथ खाना है तो मैं
ग्रेवी को उसके अकॉर्डिंगली रेडी करूंगी। अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप ग्रेवी उसके अकॉर्डिंगली रेडी कीजिएगा। मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब इसको प्रेशर कुकर को मैं बंद करूंगी और 2 सीटी लगने तक इसको प्रेशर कुकर में ही पकाऊंगी। प्रेशर कुकर खोल दिया है, अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ। ये रेडी है हमारी टेस्टी सोयाबीन एंड आलू की सब्जी, सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, और इसको बनने में लगे हैं टोटल 20 मिनट्स।